बड़ा वाला भाई जो था वो हमको लेने आया था, और अभी हम लोग निकल चुके हैं ग्वालियर के स्टेशन से बाहर, जो कि बहुत ही अच्छा व्यू था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाई हुई थी रोड के पास में, और बहुत ही गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि आप लोग सोच नहीं सकते। और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी थी क्योंकि बरसात अभी यहाँ पर फिलहाल चल रही है, पर गर्मी अब की बार बहुत ज़्यादा थी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बार सोच रही थी नहीं आती तो अच्छा होता। एवरीवन, वेलकम बैक टू नन्नू मीना ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। और हम लोग रुके हुए हैं रास्ते में, और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है ग्वालियर से। चलो इसको करवा के लाते हैं सुसु, उसके बाद में आपको करते हैं हम लोग बात है गाड़ी। यहाँ पर हो रही है बहुत ही भयंकर वाली बारिश, और इस मौसम को हम लोग इंजॉय करते हुए गए थे, पर गर्मी फिर भी कम नहीं हुई थी बरसात होने के बाद में भी। कम से कम रास्ते में कहीं बारिश थी, कहीं नहीं थी, कहीं धूप थी, कहीं छाया थी, अजीब सा मौसम था। ये है नशे पतेड़ी, चलो। अदिति तेरी सेम सेम हो गई अदिति। अदिति के सारे कपड़े गंदे कर दिए। चलो पूरी गाड़ी साफ कर दे, तन बैठी जहां से। ए तो खड़ा ले, जल्दी गाड़ी आ रही है। गाड़ी थोड़ी सी आगे आके हमको चाय पीनी थी, क्योंकि दो दिन रास्ते में बिल्कुल परेशान हो गए थे। ट्रेन में आप लोगों को पता है कि अच्छी चाय नहीं मिलती है, तो यहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके हुए थे। काफ़ी अच्छी सी दुकान थी और बहुत अच्छी चाय मिली थी वहाँ पे। तो पूरा ये समझ लो दो दिन की जो थकान थी वो पूरी तरीके से उतर गई। पूरा ग्रीन ग्रीन होता चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पे बरसात चल रही है आजकल, तो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी बहुत ज़्यादा, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, बिल्कुल बरसात के जैसा, बरसात आने वाली हो ऐसा लग रहा था। मस्त है ना आदिति नाश्ता, और हम लोग कर रहे हैं सरमथरा में नाश्ता, एकदम यम्मी यम्मी वाला है। देखो सब कैसे खा रहे, जैसे पहली बार नाश्ता मिला इनको। देखो यहाँ की पकौड़ी, वाह बहुत फेमस है ये दुकान है ना। मम्मी हम करोले पकौड़े खा रहे? नहीं अभी नहीं। ननू पकौड़ी दो, और हम लोग कर रहे हैं अभी यहाँ पे सरमथरा में नाश्ता। बहुत ही अच्छा नाश्ता मिलता है यहाँ पे, एकदम फेमस शॉप है। और हमने खाई है यहाँ पे जलेबी, एकदम गर्मा गर्म पकौड़ी, कचौड़ी और बेड़ई पकौड़ी। ले ले तो खा ले, एक लंगो बस। खालो तो मैं खा तो बस बहुत है। दीदी बेटा मामा को आप तो ये खा लो, बेड़ा ही बेड़ा ही खाएगी, मत करनी दे। ऐसा कर, एक आध दे ले ले, पूरी नहीं है या फिर हमने निकाल दे, एक आध ले ले ले, हमने निकाल दे बस, एक दो बस याम दे दे, एक और दे दे बस। नाश्ता कर ले, आधी आधी नहीं लाऊं मैं, बस यही भी चाहिए। बोतल वाले लेना है, बड़ी ले लियो, बड़ी ले बोतल मिल जाता है। बहुत टेस्टी नाश्ता है, और बहुत दिन बाद में खाया है हमने। दो जगह बेड़ा ही, दो जगह कौन लाई कचौरी।
एवरीवन, वेलकम बैक टू नन्नू मीना ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। आज मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल। जैसे कि आप लोगों ने गैस किया था, कुछ लोगों ने सही गैस किया था, कुछ लोगों ने गलत किया था, बट कोई बात नहीं। तो आज मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ और आए हुए काफ़ी देर हो चुकी है। मॉर्निंग के आए हम 10 बजे के, सुबह 10 बजे पहुँच गए थे यहाँ पे, और जो हमारी ट्रेन थी वो 6 बजे, 6:30 बजे हमको छोड़ दिया था ग्वालियर। और अभी जस्ट हम लोग आके वहाँ से थोड़ी सी सफाई वगैरह की, मैंने झाड़ू वगैरह निकाला, रूम साफ़ किया थोड़ा सा, उसके बाद में बेडशीट वगैरह चेंज करी और थोड़ी देर बैठ गए थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी भी ट्रेन में चल रही है, कि बार बार ऐसे ऐसे मेरा सिर घूम रहा था पूरी तरीके से। तो सारे काम से फ्री होके फिर खाना खा के फिर किया था थोड़ी देर रेस्ट। और उसके बाद अभी मुझे जाना है मार्केट। क्यों जाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे लानी है राखी और मेहंदी लगवा के आनी है, तो मुझे थोड़ी देर के लिए सोच रही हूँ मार्केट जा आती हूँ और साथ ही साथ वहीं पर मेहंदी लगवाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ मार्केट और देखती हूँ मेहंदी वाला मिलता है या नहीं मिलता है। अब मेरी किस्मत, और किस्मत अच्छी होगी तो मिल जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर मेहंदी वाला मिलता नहीं है नॉर्मली। तो चलते हैं मार्केट की साइड और गाड़ी से जाएंगे, बाइक से। तो मैं मार्केट में सूट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी मार्केट में। तो चलते हैं, और ससुराल आ चुके हैं तो कल है रक्षाबंधन। आप सबको एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से। और कल हम जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं वो आप लोग गैस कीजिए, ठीक है? और वापस आके मैं आपको दिखाऊँगी मेरी मेहंदी। ओके, चालू कर दिया क्या? लाइट जला। अब लाइट और जलेगी क्या? मेरी गाड़ी चोरी हो गई, सब मेहंदी लग जाएगी। मैं दिखाऊंगी भैया, उस पर यूट्यूब का चैनल है मेरा, मेरी अगर आपने बिगाड़ दी ना, यहीं सच्ची बता रही हूँ, आपके पोत के जाऊंगी, पूरी मेहंदी है बिगाड़नी लीजिए, मेरी मेहंदी ध्यान रखना, बड़ी मुश्किल से घर से टाइम निकाल के आई हूँ। इधर से अंदर ला। तो ये तो आप करवा लीजिए, सब फेस्टिवल पे आते हैं या नॉर्मली रहते हो? आपको नंबर दे जाना फिर हमको मेहंदी वाला। मेहंदी सुंदर होनी चाहिए, जब देख लेना आप फिर। भैया तूने कहाँ से सीखा ये काम? मेरे को सिखा था यार। इसकी सीखने की कोई एज नहीं होती भैया, पहली बात है। अगर पसंद नहीं आई तो पैसे नहीं देके जाऊंगा, ध्यान रखना। हाँ, आप पीछे बोला करो कि मेहंदी लगा ली। अब आप रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, तो टेंशन मत ले। आप ही लगाओगे अकेले ही? बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये भैया को दिखा रखते हैं सीखने के लिए। मौसरी को भाई सीख लो। आप सीख क्या रही हो? यहाँ पर मैं आई थी मेहंदी बनवाने के लिए, काफ़ी अच्छे से भैया मिल गए थे मेहंदी लगाने वाले, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन उन्होंने मेरे हाथों पे डाली थी। पैरों पे भी मैंने मेहंदी लगवाई थी, ओनली 300 की, दोनों हाथों पे और दोनों पैरों पे उन्होंने लगा के दी थी मुझे। पूरी मेहंदी जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसी मेहंदी लगी है। पैरों में भी मैंने जल्दी जल्दी लगवाई थी, बहुत जल्दी जल्दी मैं मेहंदी लगवाई थी उस दिन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे। 21 तारीख को हम लोग पहुँचे थे करौली, और 21 तारीख को ही मैंने मेहंदी लगवा ली थी। मतलब सुबह पहुँच गए थे, शाम की टाइम हम मेहंदी लगवाने निकल गए थे, क्योंकि 22 तारीख को सुबह टाइम नहीं मिलता सुखाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना 21 तारीख को ही लगवा लेती हूँ, फिर 21 तारीख को मेहंदी लगवा के अच्छे से और पूरा कलर भी अच्छे से आ जाएगा अगर एक दिन पहले मेहंदी लगवाते। और बहुत प्यारी सी पैरों में उन्होंने मेरे को लोटस वाली मेहंदी की डिज़ाइन बना के दी थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लगा
बताइए जरा मेहंदी। घर तक तो नहीं, गाड़ी का सब नहीं पकड़ेगी तो सही यार, भी सुख गई ना खाली आप आगे टांग लेना यार, टी शर्ट खराब मत कर दियो बस, नहीं करो आप नॉर्मल गाड़ी चलाना जब नहीं करो। करौली के आसपास अगर किसी को भी मेहंदी लगवानी है तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दे दूंगी। शादी की साड़ी वगैरह अगर किसी को देनी है, दुल्हन की दूल्हे की बहुत ही अच्छी सी मेहंदी लगाते हैं, अगर आपको लगवानी है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डाल दूंगी, तो आप वहाँ पर उनसे बात कर सकते हो। और जो भी मेरे पास उनका एड्रेस वगैरह है वो सब कुछ मैं आपको डाल दूंगी, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर कर लेना। और मेहंदी काफ़ी प्यारी लगी थी, थोड़ा सा टाइम तो लगा था बट दोनों हाथ दोनों पैरों में लगाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, पर उनके साथ एक छोटे से भैया थे उन्होंने हवा करी तो बहुत जल्दी से सूख गई थी। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं मार्केट से और मैं लगवा के आ चुकी हूँ मेहंदी। मुझे मेहंदी वाला जो भैया था वो मिल गया था, काफ़ी अच्छी सी डिज़ाइन उसने मेहंदी लगाई है और प्रॉपर में जब पूरा कलर उतर जाएगा, और कलर बहुत ही प्यारा आया है इसका। अभी मुझे लगवाए हुए मुश्किल से आधे घंटे हुए हैं पर बहुत प्यारा सा कलर आया। दूसरे हाथ की भी दिखा देती हूँ आपको एक बार, इसका तो मैंने वॉश भी कर दिया था क्योंकि मैंने थोड़ा सा भी कुछ बनाया था रसोई में तो इसलिए, और अच्छी तरीके से दिखाऊँ तो ये देखिए बहुत ही प्यारी सी मेहंदी की डिज़ाइन उन्होंने लगाई थी। और पैरों की भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जब भी इसका अच्छा कलर आ जाएगा जब, तो मैं तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इसको।